सोलन में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार लगातार शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से कैसे बच सकते हैं ये जागरूक कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण कम होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि प्रदेशवासी अभी पूरी तरह से कोरोना नियमों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना के गंभीर परिणाम अब सामने दिखने लगे हैं। सोलन में रोज करीबन 75 मामले कोरोना पॉजिटिव के आ रहे हैं। अभी तक कोरोना संक्रमण से कई मौतें भी जिला में हो चुकी हैं। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में भी कोरोना संक्रमण ने फिर से दस्तक दे दी है, जिसके चलते सोलन अस्पताल का गायनी वार्ड फिर से सील हो गया है। अधिक जानकारी देते हुए MS NK गुप्ता ने बताया कि सोलन अस्पताल के गायनी वार्ड में 3 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें से एक मिडवाइफ है और इलाज करवाने आई 2 महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि एहतियातन गायनी वार्ड को बंद कर दिया गया है, जो 4 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। अस्पताल के सभी स्टाफ को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सोलन में वास्तव में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। पिछले 3 दिन में हमारे पास 2 पेशेंट्स गायनी वार्ड में और एक जो हमारी मिडवाइफ जो वहाँ काम कर रही थी, वो 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पे हमने गायनी वार्ड को बंद किया है। ये जो वार्ड रहेगा 4 तारीख तक बंद रखेंगे हम इसको। उसके बीच में बहुत कोई डायर इमरजेंसी आती है उसको तो डील किया जाएगा, क्योंकि पीछे बड़े दिन से ऐसा हो रहा था कहीं ना कहीं जो लोग जैसे कि सिरमौर से पेशेंट्स रेफर हो रहे हैं या हमारे पास इमीडिएटली डायरेक्ट एंटीनेटर्स आ रही हैं, उनमें से कोई ना कोई छुटपुट पॉजिटिव आ रहा था। मगर अब एक साथ 3 लोग पॉजिटिव आने की वजह से हमारे को ये निर्णय लेना पड़ा है। और हमने ये एक सब अपने स्टाफ को, जितना भी स्टाफ है उनको एक कहा है, सारे के सारे स्टाफ अगले 3 दिन के अंदर अंदर अपना सारे जने टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट अगर सबका टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनको उसी के हिसाब से डील किया जाएगा। मगर हॉस्पिटल का जो गायनी वार्ड है उसको हम 4 तारीख तक बंद रखेंगे। जैसा कि आपको पहले ही पता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिव केस फाइंडिंग का एक जो मुहिम चलाई गई है वो बहुत ही अच्छी एक मुहिम है, जिसके तहत हम लोगों को जागरूक भी कर पाएंगे, घर घर जाकर साथ में ये भी पता लगा पाएंगे कि कोई लोग जो सिम्टोमेटिक है वो घर में तो नहीं बैठे हैं, ताकि उन लोगों को बाहर निकाल कर उनका सैंपल किया जा सके। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे प्रेजेंट, उसमें लोगों को 3 चीज़ें जो बताई जा रही हैं, एक मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, तीसरा एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और भीड़ भाड़ इलाके से बचना है। अगर हम इस चीज़ सब चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे तो अगले ही कुछ दिनों में हम जो हमारा जो इतनी ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर काबू पा सकेंगे।